गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे रिवीजन में लेसन नंबर टू। लेसन नंबर टू है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इसके लिए हम इसका मीनिंग देखेंगे कि मैनेजमेंट किस तरह से एक प्रोसेस है। तो द मैनेजर एक्सक्यूट्स मैनी मैनेजरल टास्क लाइक ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजर जो होते हैं वो बहुत सारे टास्क पूरे करते हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, इसके बाद प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कंपनी को, फिर कई सारे जो लोगों को नया अपॉइंटमेंट देना होता है तो अपॉइंटमेंट भी करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन भी देते हैं काम करने के लिए, उसके बाद मोटिवेशन भी करते हैं एंड कंट्रोल भी करते हैं। ये सारे जो वर्क हैं, ये सारे वर्क एज ए प्रोसेस होते हैं, इसलिए इट इज कोऑर्डिनेटेड, यानी इन सबको अगर हम मिला दें और कलेक्टिवली कॉल्ड मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी इन सभी वर्क को मिला करके जो कंटिन्यूस वर्क होता है मैनेजर्स का, वो मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। अब मैनेजमेंट प्रोसेस में फीचर्स क्या क्या हैं? तो नंबर वन है, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में ये सारी एक्टिविटीज या ये सारे फंक्शंस जो है वो कंटिन्यू एक के बाद एक करती रहती है। तो ये जो कंटिन्यू करने वाले काम हैं, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। एक साल ये काम पूरे कर लिए जाते हैं, अगले साल इनको दोबारा करना पड़ता है, यानी ये प्रोसेस जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद सेकेंड हम देखें, इट इज ह्यूमन प्रोसेस। अब क्योंकि ये सारे जो वर्क हैं, ये सारे वर्क एक ह्यूमन के द्वारा ही किए जाएंगे, एक मनुष्य ही करेगा, यानी एक मैनेजर कर रहा है जो कि एक मनुष्य है, तो नेचुरल है कि ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। ह्यूमन प्रोसेस होने के कारण ये एक कंटिन्यू वर्क जो है वो ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद है, मैनेजमेंट इज अ सोशल एक्शन। अब सोशल एक्शन इसलिए है कि जितने भी काम ये कर रहा है, ये सारे के सारे काम जो है समाज से संबंधित है, यानी समाज में से ही सारी चीजें लेनी है, समाज के लिए ही प्लानिंग करनी है, समाज के लिए ही जो है वो अपॉइंटमेंट देने हैं, जो पर्सन आएंगे अपॉइंटमेंट के लिए वो सारे समाज से होंगे। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो एक सोशल एक्शन है, यानी ये समाज के एक्शन है, समाज से संबंधित एक्शन है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो सोशल एक्शन कहलाता है। इसके बाद हम ये कहेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी ये सारे प्रोसेस करने के लिए मैनेजर जो ये सारे प्रोसेस कर रहा है, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। इन प्रोसेस को करने के बाद मैनेजर को कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस हैं। इसके बाद हम ये कहेंगे यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस है ये यूनिवर्सल है, ये सारे देशों में सभी परिस्थितियों में सभी सामाजिक जो वातावरण होता है उसमें एक जैसे प्रोसेस होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो लागू होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट की फंक्शन, कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो मैनेजमेंट के दो फंक्शन बताए गए हैं, एक होते हैं की फंक्शन, दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी फंक्शन। की फंक्शन का मतलब है मैनेजर का जो टॉप मोस्ट काम है, जो प्रायोरिटी वाले काम है, वो काम जो कहलाते हैं की फंक्शन कहलाते हैं। और ये फर्स्ट लेवल जो प्रबंधक होता है आपके, ये सारे के सारे वर्क इस फर्स्ट लेवल प्रबंधक के हैं, यानी इसके नीचे सेकंड मिडिल लेवल और टॉप लेवल के नहीं, मिडिल लेवल और जो थर्ड लेवल है उसके नहीं है, ये टॉप लेवल मैनेजर जो है उसके ये वर्क है। तो हम देखें कि ये की फंक्शन क्या है। तो नंबर वन, जो एक मैनेजर होता है टॉप लेवल का, वो सबसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग में वो क्या क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, साल भर में कंपनी क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, कैसे बनाएगी, उसके लिए किस तरीके से जो है वो रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, जो कैपिटल है वो कैसे इन्वेस्ट की जाएगी, उसके बाद उसकी सेल किस प्रकार से की जाएगी, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करता है। तो जो फर्स्ट उसका की फंक्शन है वो है प्लानिंग। जब वो साल भर की प्लानिंग कर लेता है कि एक कंपनी साल भर में कितना प्रोडक्शन करेगी, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि क्या उसके पास ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी मेंबर्स हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं।
तो वो उसको एज्यूम करता है कि मान लीजिए कि एक प्लानिंग में, एक साल की फाइनेंशियल की प्लानिंग में जो कंपनी है उसको 1000 वर्कर्स चाहिए, लेकिन कंपनी में फिलहाल 700 वर्कर्स हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये कहलाती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसमें ये पता लगाया जाता है कि कितने मेंबर जो है कंपनी के पास हैं और कितने मेंबर जो है नए अपॉइंट करने हैं। तो फिर कंपनी जो है अपॉइंटमेंट करती है, नए जो वर्कर्स 300 चाहिए उनको वो भर्ती करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। इसके बाद जब कंप्लीट मेंबर्स जो है वो कंपनी के पास होते हैं, तो अब उनको अगला जो वर्क होता है उसका होता है डायरेक्शन, यानी सारे जितने भी वर्कर्स हैं उनको ये बताना कि उनको कौन सी जगह पर क्या वर्क करना है, कितने टाइम में करना है और कैसे करना है। ये जो एक्टिविटी होती है ये डायरेक्शन कहलाती है। जब एक मैनेजर के द्वारा प्लानिंग कर ली जाती है और ऑर्गेनाइजेशन कर ली जाती है, और जब वो डायरेक्शन दे देता है सभी पर्सन को, ये पता होता है कि उनको कहाँ किस जगह कितना काम करके देना है, तो उसके बाद होता है कंट्रोल। फोर्थ जो उसका मेन कार्य है वो कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब ये है कि जिस पर्सन को जिस जगह जो काम दिया गया, क्या उसने उतने समय में उस व्यक्ति ने, वो पर्सन ने काम किया या नहीं किया, ये कहलाता है आपके कंट्रोल। और जब कंट्रोल हो जाता है उसके बाद कोऑर्डिनेशन, यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो मिलजुल करके एक दूसरे का हेल्प करके और सभी काम एक जैसे पूरे करें, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये जो मेन 5 फंक्शन है ये की फंक्शन कहलाते हैं जो टॉप लेवल मैनेजर को हर साल करने पड़ते हैं। इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं ऑक्सिलरी फंक्शन, यानी जो इसके सपोर्ट के, सपोर्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं कि इसके सपोर्ट के लिए कंपलसरी हैं। जैसे हम ये कहें डिसीजन मेकिंग, अब जब वो प्लानिंग करेगा तो नेचुरल है समय समय पर उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग भी इसका एक ऑक्सिलरी फंक्शन है। वो समय समय पर प्लानिंग करने के लिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए, सबके लिए जो है वो समय समय पर डिसीजन लेता है। इसके बाद है अपॉइंटमेंट्स। अब यहाँ पर जब उसने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में 700 तो मेंबर्स हैं लेकिन अभी 300 मेंबर्स और चाहिए, तो वो उनके लिए फिर अपॉइंटमेंट की एक्टिविटीज करता है कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, क्या कोई रिटर्न एग्जाम फॉलो किया जाएगा या इंटरव्यू फॉलो किया जाएगा, जिस तरीके से भी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे वो अपॉइंटमेंट की एक्टिविटी वो ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद होता है इनोवेशन। सभी कंपनियां भविष्य में अपनी चीजों में हमेशा नया नया चेंजेस करती रहती हैं, कभी चीजों में चेंज करती है, कभी टेक्नोलॉजी में चेंज करती हैं, तो ये इनोवेशन करना भी एक मैनेजर का एक रेगुलर वर्क बन गया है कि रेगुलर ही जो मैनेजर्स होते हैं उनको नए नए इनोवेशन करने होते हैं। इसके बाद है आपके कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, कंपनी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैनेजर्स को जो है आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, और कंपनी के बाहर के भी ऐसे मेंबर्स हैं, जैसे हम ये कहें कि आपका कस्टमर है, समाज है या सरकार है, इन सब से भी कंपनी को जो है वो कभी ना कभी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो ये सारे जो कहलाते हैं ये कम्युनिकेशन का काम भी टॉप लेवल मैनेजर को ही करना होता है, यानी कंपनी से संबंधित सारी एक्टिविटीज का कम्युनिकेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजर ही करता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर कंपनी से बाहर कोई भी सेमिनार आयोजित हो रही है या कोई वर्कशॉप आयोजित हो रही है, तो वो सारी चीजों में कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के टॉप लेवल मैनेजर जो है वो भाग लेता है और समय समय पर ये मीटिंग्स और जो भी आपके एक्टिविटीज हैं ये चलती रहती हैं, और इसको हमेशा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो ये सारे जो फंक्शंस थे ये एक मैनेजर यानी टॉप लेवल मैनेजर के फंक्शन थे जो हमने आज पढ़े। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।